नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आ गए हैं गोलू भाई की छत पे और फरीदाबाद लगता है ना, फरीदाबाद में कौन सा NIT, तो वहाँ पे कबूतर शौक कराएंगे आपको, तो मिलते हैं अपने गोलू भाई से। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं सर बताइए, और कबूतरबाजी का सफर कैसा रहा वो बताइए कुछ अपने। सफर तो देखो बहुत बेटर चल रहा है अभी, और अब देखते हैं फिलहाल कि आगे कैसा चलेगा। अच्छा, मई के जो रिजल्ट आएंगे या टूर्नामेंट जो भी उड़ेंगे उनमें देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आती है, तो वो प्रॉब्ली उन्हीं की तरफ अब फोकस है आगे। तो वल्लभगढ़ वाले जो कपोर्टन में उड़ाते ही होंगे। हाँ नहीं, ये पिछली बार एक्चुअली उड़ाने थे तो, लेकिन थोड़ी सी एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी कबूतरों में, तो इस वजह से वो अवॉइड कर दिए। वरना बीबी भाई से मेरी बात हो गई थी कि वो उड़ाने ही थे हमने कप में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कबूतरों में दिक्कत आ गई थी वायरस की, तो उस वजह से उस प्रोग्राम को फिर ड्रॉप करना पड़ा। कबूतर अभी जो देखे हैं ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त कबूतर है, कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त, शायद जो भाई लोग देखें उनको भी बहुत पसंद आएगी आपकी वीडियो। तो अभी फिलहाल किसी पार्टी में है या अभी नहीं, एक्चुअली किस पार्टी में जाना चाहते हैं कुछ? नहीं नहीं, ऐसा है अभी फिलहाल हमको इरादा नहीं है। नहीं नहीं, हम किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन जो बेसिकली हमने अपने दिल से जिसे उस्ताद माना है वो है जसपाल सर जी दिल्ली के। अच्छा, जसपाल उस्ताद जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्हीं की ही गाइडलाइन में हम फॉलो करते हैं जो भी चीज़ करते हैं, दिल से ही उस्ताद मतलब माना ही उन्हें। बाकी सही है जो उस्ताद जो शुरू में जिसको एक्चुअली हमें जब चलना भी नहीं आता था तो शायद उन्हीं ने ही हमारी उंगल पकड़ के हमें चलना सिखाया है, तो आज जो भी परफॉर्मेंस या जो भी हमने फरीदाबाद में अब हमने 2-3 टूर्नामेंट में उड़ाए थे, तो 2-3 टूर्नामेंट में उन्हीं की गाइडलाइन में उड़ाए, तो गौतम भाई के ही कबूतर उड़े थे इसमें। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें दोनों में ही इसका फर्स्ट प्राइज़ आया था, और कबूतरों की जो टाइमिंग रही थी वो भी बहुत बेहतरीन रही थी। उनकी टाइमिंग शायद 11:30-12 घंटे की आई थी, और वो भी हमने कबूतर खोल के बिठाए थे, जबरदस्ती बैठने में नहीं आ रहे थे कबूतर, बैठ नहीं रहे थे, तो ये डर भी रहा था। हाँ, सही बात। इसकी पहली उड़ान थी तो ये डर गया था कि यार भैया बैठ नहीं रहे, तो लेकिन बस ऊपर वाले का कर्म था और उस्ताद जी का आशीर्वाद था, तो कबूतरों ने बहुत अच्छी परवाज दी। एक टूर्नामेंट उड़ाया था अपने लोकल का, NIT का था, 7 एंट्रियाँ थी उसमें, 7 कबूतरों की, और वहाँ भैया ने एंट्री भरवाई थी मेरी, और एक पर्सनल की किसी से 2 दौड़ी थी, भैया ने वहाँ भी एंट्री भरवाई थी। नाम बता दो सभी दोस्तों की, शुरू में इंटरव्यू में अभी बता नहीं पाया था मैं। ये अपने अन्नू भाई हैं, और आप नमस्कार गौतम भाई हैं, ये भी अच्छे कबूतर उड़ाते हैं साथ में, प्रथम भाई हैं, और बीच में भाई सन्नी भाई जो साथ में आए हैं। तो चलिए फिर कबूतरों का आपको शौक कराते हैं, कबूतर कैसे लगे बताना दोस्तों, ठीक है? ये देखो ये दोस्तों कबूतर हुआ शानदार, ये ज़्यादा आँखें मैंने हरों में देखी है, हरे कबूतर हाँ। लेकिन लाल चोटीदार, लाल में तो आज तक नहीं आता भैया, इनकी उड़ान की कोई वो लिमिट नहीं है। मैं आपको अपनी मुंह से तारीफ तो करनी नहीं चाहिए, आंखें आप इसकी देखोगे ना तो बिल्कुल दिल खुश कर दे। हाँ, जैसे बाहर दिखाते हैं ना कलकत्ता, हाँ बिल्कुल सेम प्योरिटी में है कबूतर, पीला कबूतर है और हमारे घर का ही है। तो इसकी मादी कौन सी है, कैसे जोड़ में डाल रखी है? ये भैया इसके टक्कर की अभी तक मादी नहीं, अच्छा भी मिली नहीं टक्कर की, ये घर का बच्चा रोप लिया था। नहीं बहुत बढ़िया, इसको उड़ाना भी मत, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इनकी और उड़ान ऐसी है ना, अगर ये चल रहे है ना, जैसे इनके जोड़ों के 5-7 बच्चे, अगर जैसे अन्नू भाई होना के यहाँ पे 70-80 कबूतर भी उड़ रहे हैं, सीधे जाएंगे देखते ही रास्ता बदल लेंगे, किसी की टुकड़ी में नहीं। अच्छा, टुकड़ी से अलग ही उड़ेंगे, दूसरों की टुकड़ी में टक्कर ही नहीं मारते ये। बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट तक टुकड़ी में लगेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्होंने तो देख ही रखे हैं भाई और भैया के कबूतर, उनके बच्चे भाई 2 बाद टुकड़ी में लगेगा, उससे पहले टुकड़ी में बच्चा लेगा तो कितने का बनेगा एक्चुअली ना। पहले तो एक कबूतर की आंखों का शौक करिए, गजब की आंखें हैं, प्लस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, हाँ फ्लैश में थोड़ा और आँखें क्वालिटी अच्छी नज़र आएगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे गोलू भैया के कबूतर हैं फरीदाबाद में, शौक करिए कबूतर की आँखों में, देखिए नमी कितनी है, उधर की आँखें दिखाइए इसके, एंटी की आँखों में है सारे। ये देखिए दोस्तों इसकी मादिन की आँखें, अरे वाह ये आँखें, की जर्रापन कितना है, चमक कितनी आँखों में, ये देखिए दोस्तों आँखें, ये मादिन है उसी की है ना ये? हाँ, उसी वाइट वाले की, गजब की।
ये दोस्तों जोड़ है, बैठक दिखाता हूँ मैं, कबूतर परंत है तो इसलिए ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते। बैठक देखिए, एंटी की आँखों में थे दोनों, मकोए तो नहीं है, सफ़ेद है, गहरी लाल आँखें हैं बोल ये सकते दोस्तों। अरे वाह, हाँ हाँ बताइए, आँखों की जो क्वालिटी हो तो अलग ही दिख रही है इसकी। इसके भैया काले तिल के बाद ना एक आपको सर्कल दिखेंगे कम से कम 4-5 तरीके के। जो कहते हैं ना एक प्योर कबूतर में जो हाँ। अच्छी आंखें होती है, 7 रंग पाए जाते हैं, 7 रिंग होती है, ब्लू रिंग, फिर आपको हल्की येलो रिंग, ग्रीन रिंग, रेड रिंग, मतलब बहुत सारे। अब तो धूप चली गई भैया, शाम हो गई, बहुत शानदार आंखें, सब मेरे पर्सनल फेवरेट हैं ये हरे मकोए। उड़ान भी अच्छी है, बहुत बहुत ठीक, बहुत पंजे इसके दिखाने के बाद, पंजे देखो भैया, ये देखिए पंजे दोस्तों, ये दोस्तों इसकी आंखें देखिए, ये इस हरे मकोए की माती ने दिया, इसकी माती सेम आंखें वही है नर वाली, इससे तो थोड़ा कमी है लेकिन अच्छी क्वालिटी की आंखें। गजब की आंखें, कहाँ से आई हैं ब्रीड ये यार? ये बस कर रहे हैं काफी टाइम से कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, हरे टाइम हमारे सफेदों से ज्यादा हरों का शौक, कंप्लीट पेयर दोनों की आंखों का शौक कराए, कैसे लगे दोस्तों बताना जरूर। और ये फिलहाल में जोड़े डाले हैं 3-4 हरों के। अच्छा हरों के ही, हरों के तभी इनके बच्चे उड़ाए कुछ, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे, ये तो जाल आप देख रहे हो कबूतर अभी बच्चे उड़ गए हैं, बस आज बिठाए थे क्योंकि छत पे कोई जैसे था उसी में देखो ये उसके हिसाब से अच्छे पर मारे, नहीं तो कबूतर इधर उधर नीचे बैठ जाते हैं जाके दूसरे जालों पे। ये उड़ने वाली, ये सारे उड़ने वाली टुकड़ियाँ हैं, बाकी और अभी शौक कराते हैं कबूतरों का। ये दोस्तों एक और पेड़ देखिए, क्या जबरदस्त है, यहाँ आँखों का शौक मैं आपको कराता हूँ, देखिए वो रहा। अरे वाह गजब, देखो तुम्हें आ गया, ये उड़ा हुआ है भैया हमारा। अच्छा ये उड़ा हुआ है, ये पिछले साल टूर्नामेंट में उड़ा था, एकदम लाल आंखें हैं, ये देखिए एक दोस्तों ये हरा कबूतर देखिए, आंखें देखिए यार गजब की आंखें हैं इसकी। ये जो अभी दिखाया था ना हरा इससे पहले, ये उसका भाई है, काशनी बच्चे बनाते हैं ये सारे, काशनी बच्चे बनाते हैं, और ये दोनों अभी भी यहाँ पे जूम कर रही है जैसे देखो, जुड़वा भाई OIS काम कर रहा है इनका, कंधे भी अच्छे हैं। तो अनु भाई परंत अगर कबूतर है तो इसके परों में क्या देखेंगे आप, अगर अच्छा कबूतर है कबूतरों के परों की क्वालिटी अलग ही दिख जाती है देखो, तो वही तो पूछ रहे हैं क्या होनी चाहिए, ये सेफ एक दूसरे के ऊपर चढ़े होने चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ये देखो भैया क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है मद्रासी और वजूद देखोगे तो पंजाबी, ठीक है। तो ये पर भी मादिन दिखा इसकी, ज्यादा आसमान में तो नहीं बन रही ना, क्या चीज भैया, आंखें दिखा, ठीक है आंखें दिखाइए, ये आंखें देखो इसकी, इनको हाथ नहीं लगता ना बिल्कुल भी, दानेदार आंखें हैं जैसे, जो आजकल कहते हैं जर्रापन है आंखों में। हाँ जी हाँ जी, कैसे मुंह फाड़ रही भैया, पूरा अंडा भी रखने वाली है बिल्कुल, इसीलिए ना वो थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसकी क्वालिटी देखो भैया, सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी एकदम परों की, छोड़ दो बुरा मान रहे हैं। ये दोस्तों एक मिलदुमा कबूतर है, शौक करिए इसकी आंखों का, ये उड़ा के ना चेक कर रखे हैं, अच्छा अच्छा रिजल्टेड है, इसकी फीमेल दिखाते हैं, पार जाएंगे जोड़ा निकल जाए कहीं, और सभी आँखों में जो देखा ना जर्रापन कितना है, सबसे बड़ी बात है, सारे ऐसे हैं, कंप्लीट प्यार है एक हरों का, ये मेरे पर्सनल फेवरेट फिर से वही हरे मकोए, अरे हो क्या जबरदस्त है ये देखो, और शानदार, ये जो पहले जोड़ा दिखाया था ना उन्हीं ब्रीड में से है, इसकी आंखों में भी सारे रंग दिखते हैं, एक ये देखो इनकी पर्सनैलिटी अलग है, और ये मादिन है, मादिन की आंखें दिखाता हूँ मैं, ये भी हाँ पेप्सी आंखों में, ये
और ये पंजे हैं इसके, रिंग डाला हुआ है किसी के नाम का भाई, मेरे नाम का ही है। अच्छा, ये आपके नाम का है। ये गौतम लिखा हुआ है, मेरा नंबर है। ठीक ठीक, ऐसा मतलब घर की पट्टी है, घर की पट्टी की है जोड़ के। हाँ, मेरी छत पे भी ब्रीडिंग होती थी, लेकिन अभी मैंने इसी साल कबूतर हटाए हैं, 8-9 साल रख के। कबूतर किसने लिए थे अन्नू भाई, और कौन लेगा ये जोड़ा। ठीक है, ये लो एक और कबूतर। अरे वाह, एंटिक एंटिक क्या करते हो लोग, देखो इसमें भी काफी रिंग की अगर देखे क्वालिटी, बहुत अच्छी आंखें हैं, बहुत अच्छी आंखें हैं, बहुत शानदार कबूतर है ये। कंप्लीट फेयर देखिए है, हाँ थोड़ा दिन में आते ना तो बहुत अच्छी लेट हो गए, फिर भी ठीक था बाकी देख के हिसाब से, आज मौसम ठीक था, धूप थी। ठीक है, एक ये जोड़ देखिए दोस्तों, काशनों का अच्छी गहरी आंखों में है, और ये पर रहे इनके चौड़े चौड़े, जहाँ तक ये कलर गोलों में ही देखने को मिलता है, प्योर मद्रासी है ये। ये देखो, ये देखिए आप, है पता लग नहीं सही। थोड़ा टाइम शाम का हो रहा है ना, नहा भी लिए हैं ये, और ये भैया की घर की पट्टी है, इसमें भैया की रिंग डाली है, गोलू गोलू भाई है। और ये नर है इसका, नर की आंखों का शौक काशने का, ये भी भैया के घर का ही है। ये उड़ा के चेक कर रखे हैं, देखो वो बैठे पहाड़ी तोते, ये वाला गजब की आंखें, उसकी नीली आंखें हैं, कोई मकोया भी कह रहे थे वैसे। मादिन पार जाएंगे, ये पिलखा, ये पिल की मादिन है, उसी की मादिन है। ये उड़ा के चेक, छोटे पर की मादिन है, ये उड़ा के चेक कर रखें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इनका। ठीक है, ये बनाना बाद में, ये देखिए दोस्तों अलग ही शाइन है, गुलाब सराना रही है, लाल पोटे का, ये देखो ठहरा ना रहे इसका। और ये मादी, ये मादी ना इसकी, अच्छा उसकी गुलाब सरे की मादी है, मादी दिखा देते हैं आपको, फोकस करना। अरे वाह, अजीब सी रंग है इसकी आंखों का, क्या कहें, ना पेप्सी है ना मकोई है। भैया कहाँ से आई थी अलीमादिन, चमक है आंखों में, लेकिन अलग दो तीन वो है सतरंगी आंखें, इसे घर के ही है ये, सारे घर के पट्टे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उड़ा उड़ा के रोक लेते हैं ना, ये देखिए खैरा नर, देखिए जर्रेदार आंखें इसकी, आप जूम करोगे ना सारे कलर दिखेंगे। और ये इसकी फीमेल बहुत अच्छी आंखों में, बहुत अच्छी देखो, और ये तो बिल्कुल रात तक उड़ी हुई है। अच्छा, अक्टूबर में, अक्टूबर में ये देखो स्टैंप खाई हुई है, लोहर खाई हुई मादी ने। तो अभी इसको अभी जोड़े में डाला है, इसको बस अभी जोड़े में डाला है, ये मेरे नाम की रिंग भी डली हुई है, और ये भैया का घर का बच्चा है। अच्छा अच्छा, ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना रिजल्टेड वो है, तो बहुत बढ़िया, ज्यादातर 99% जोड़े भैया रिजल्टेड ही बनाते हैं, बाकी तो रखने का मतलब ही नहीं बनता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा नीड पड़ जाए अगर बाहर से तो ही लेते हैं, नहीं तो ठीक 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 ठीक। बाकी अभी तो छत तैयार हुई है, तो और बाजियों में उड़ी है, पहले नीचे थी थोड़ा छत, ये एक ही फ्लोर था पहले, इसी साल छत तैयार हुई है, जोड़ बढ़ा रहे हैं। चलिए आंखों का शौक कराते हैं इनको, थोड़ा हल्की सी सनलाइट हो तो मजा आता है। ये जो मैंने आपको पट्टी दिखाई है इसी लाल जीरे की है। अच्छा, इसकी है, उसी की पट्टी है ये। ठीक ठीक ठीक, मैं ले गया था भैया से बच्चे उड़ाने के लिए, तो मेरी छत पे इन्होंने रात तक की उड़ान दी है इसने। अच्छा, हाँ। बाजी में अक्टूबर में भी उड़ी है, मेरे को टूर्नामेंट भी जितवाया, दो भैया के यहीं से ले गया था। ये फीमेल है उसकी, सही है, हल्की आंख की है,
लेकिन उड़ान ज़्यादा होगी, साइज बहुत छोटा सा है, साइज छोटा, ठीक है। ये दोस्तों पिलखा कबूतर देखिए, कोर्ची आँखों में है, इसकी मादिन का भी शौक कराते हैं। ये इसकी मादिन है, ये उसी पिलके की मादिन है ना, कोई मादिन है ये। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, खुद उड़ा के चेक कर रखें फिर जो पिलके को अच्छा रिजल्ट होता है, पिलके को छोड़ते हैं। खैर दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना भाई के, कबूतर गोलू भाई के शौक बड़ा अच्छा रहा। और अभी वैसे दिखा ये अभी और भी अभी कबूतर एक बार दोबारा सारी बैठक दिखा देते हैं। छत काफ़ी अच्छी है भाई की, ज़बरदस्त छत है भाई, बस अभी तो तैयार हो रही है, बन रहे हैं। ये देखो बैठक देखो कैसे उतर रहा है, कबूतर की बैठक जैसे ये बैठ है ना चीना भाई, अंदर हो जाओ आप, अंदर हो जाओ। ये देखो कबूतर थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन पीले की बैठक देखिए दोस्तों, जो भैया पीले के साथ चीना दिखाया ना अभी, वो देखो कैसे खड़ा खड़ा बैठा सारे मोरी कबूतरों की तरह। ये लेफ्ट में मुक्ति के साथ, ये रात को भी अगर उतरेगा ना सुबह का तो ऐसे ही फ्रेश बैठेगा, ये वाला ना जो पीछे कल ये चीना जो फड़फड़ा रहा है, बहुत पंजे देखिए इसे गहरे पंजे, हरा कबूतर बहुत अच्छा था ये वाला। हाँ जी ये चोटीदार का देखिए, हमारा स्लेटियों का, हरों का और हरे महोयों का कलेक्शन, क्या बैठक है यार गजब। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लो, आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहेगा। ऊपर उड़ने वाले हैं सारे, ये ऊपर उड़ने वाले हैं अभी जो बाजू में उड़ेंगे, खोल दिए थे एक दोस्त, ये कबूतर देखना जबरदस्त है। हाँ जब कभी लगेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है, और कभी ऐसा भगवान ने ऐसा कुछ बनाया और कंप्लीट लगा हमारा कलकत्ता का, तो जरूर लेके आएगा। क्वालिटी कबूतर की एक नंबर है, दुआज खराब है इसकी, ब्रीडिंग करता है, शौक कराते हैं धन्ने वाली नस्ल में से है ये, देखिए ये भी है जो गर्मियों में उड़ा हुआ है एकदम, रिंग बढ़िया इनकी के ताके में है ये, और उसका शौक करिए शॉप ओपन एकदम है, वो बहुत बढ़िया। ये पंजाब से आए हुए कबूतर है, देख लिया मैंने, लंबे कितना है इसके लिए मादिन में दे दूंगा, लेकिन मेरा नर खाली हो जाएगा। कोई ना तो नर भी दे जा, अब इनकी जो असली वो है मई में चेक प्रॉपर कहाँ तक ले जा पाते हैं, कहाँ तक जा पाते हैं, ठीक इन्हीं मद्रासियों के बीच में डालेंगे, और जाल बड़ा अच्छा बनाया है, यहीं से सारी भाजियाँ उड़ेंगी, नए पट्टे सारे छोड़े गए हैं।